अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुभ रात का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने सुबह सुबह नाश्ता किया और अभी जो है हम बाज़ार जा रहे हैं। वहाँ पे हमने जो है ना रात को हम कसाई को कह के आए थे कि हमें जो है ना पाए चाहिए, तो वो कह रहा था कि भाई दो जो है वो सेल हो चुके हैं और बाकी दो जो है आप सुबह आके ले जाएंगे। तो अभी जो है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो वहाँ से लेके आऊँगा पाए, साफ़ सफाई करवा के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करवा के। अभी जो है ना अभी हम की शॉप पे आ गए हैं और आप जो है ना ये देख सकते हैं, ये भाई ने कर दी हुई, ठीक है, इन्हें पहले साफ। अभी हम लोग जाएंगे इसकी साफ सफाई करवाने और इसके जो है छोटे छोटे पीस करवाने, क्योंकि ये भाई कह रहे थे हमारे पास जो है ना वो फैसिलिटी नहीं है साफ़ करवाने की। और अब जो हम सात बजे शॉप पे जाना, अभी हम बाज़ार से हो आए हैं, तो भाई कह रहे थे कि अभी जो है ना साफ सफाई करने में जो है ना घंटा डेढ़ लग जाएगा पाए साफ़ करने में, तो मैं दे आया हूँ, तो और मैं जो है फिर थोड़ी देर बाद जाऊँगा फिर उनसे ले आऊँगा। और ये भाई जो है ना बर्नर के साथ साफ़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अभी हम बाज़ार आ चुके हैं, ठीक है, भाई को हमने दिए होते जो है ना पाए साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ वाली शॉप पे कहते थे जब हमने लिए थे पाए, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास जो है वो फैसिलिटी नहीं है साफ़ करने की, और आप जो है ना साथ वाली शॉप से जाएँ। वहाँ पे हम आए हैं और उन्होंने भाई ने साफ़ करके दिए, दो घंटे का टाइम दिया था, और ये देखें ये इन्होंने साफ़ कर दिए हैं। ये अभी जो है ना अभी इसको हम जो है ना अभी छोटे छोटे करवाएंगे। सुबह जो है हम भाई से जो है ना वो लेके गए थे पाए साफ़ करवाने के लिए, तो कह रहे थे कि हमारे पास बर्नर नहीं है, तो अभी जो है ना हम इसको साफ़ करवा के लेके आए हैं। और भाई जो है ना छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, उन्होंने छोटे छोटे पीस कर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो है ना फिर हम घर लेके जाएंगे और फिर हम जाके बाज़ार से होके आए हूँ, आके नहाया धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, और अभी जो है ना जोर का वक्त भी हो रहा है, और जो है खाना बनाया अम्मी ने वो खा के, तो फिर जो है ना हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तो आज जो है ना आज कुछ स्पेशल बनाया अम्मी ने, ये खीर बनाई है गाजरों की, ये जो है ना ये आप देख सकते हैं, अभी खीर जो है ना वो ठंडी हो चुकी है, तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हम जो है टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको क्या जायका इसका। बहुत ज़बरदस्त ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जोहर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, और फिर जो है ना मैं थोड़ी देर तक कब्रिस्तान जाऊँगा, वहाँ पे फातिहानी करनी है। अभी जो है मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के घर आया था और लेटा हुआ था, तो अभी जो है ना घर वालों ने मुझे भेजा है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और दही लेके आना है, और उसके बाद जो है ना टाइम भी थोड़ा है और असर का टाइम होने वाला है, फिर हम जो है असर की नमाज़ पढ़ने के फौरन बाद जो है कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ पे फातिहानी करेंगे। वैसे जो है बाज़ार जाने का रास्ता जो है ना वो हमारे गांव के जो है ना बीचों बीच गलियों से होकर गुजर जाता है, लेकिन मैं जो है ना वो जो हमारे गाँव के बाहर वाला रास्ता है उधर से होके जो है जा रहा हूँ बाज़ार। ये हमारे गाँव का जो है बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है जी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये जो रास्ता जो है ना ये बाहर वाली साइड से होके ये भी जो है बाज़ार की तरफ ही जाता है, साथ वाले मोहल्ले से होके बाज़ार की तरफ जाता है, ये आप देख सकते। मैं जो है बाज़ार से हो आया हूँ, दे ले आया हूँ, अब मैं जो है घर वापस जा रहा हूँ। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो असर की दाने हो रही हैं, और असर की नमाज अदा करने के बाद जो है मैं चला जाऊंगा कब्रिस्तान, ठीक है जी, फातिहानी करने, क्योंकि आज जो है ना आज शब रात का दिन भी है, तो वैसे जो है ना आम दिन में भी जाना चाहिए कब्रिस्तान, लेकिन जो है ना कुछ खास मौके होते हैं जहाँ पे जो है कब्र पे जो है वो फातिहानी करने जाना पड़ता है। तो अभी असर का वक्त हो रहा है, ये जो है मैं घर पकड़ा कर मैं चला जाऊंगा असर की नमाज़ अदा करने, ठीक। मैंने जो है असर की नमाज़ अदा कर ली है, अब जो है मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान जा रहा हूँ फातिहानी के लिए, ठीक है। ये जो है ना ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है, ये आप देख सकते हैं, फातिहानी कर ली है, ठीक है जी, अब जो है मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये रास्ता हमारे गाँव से जो है बाहर वाला रास्ता है, ठीक है, ये बाहर वाली साइड से होके जो है ना सीधा कब्रिस्तान चला जाता है रास्ता ये, ठीक है जी, बाकी जो है ना वो
गांव के बीचों बीच गली से गुजर के वो जाना, वो रास्ता जो है वो तकरीबन दूर ही पड़ जाता है, ठीक है, तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। सही है, तो बाहर वाले रास्ते से होकर घर वापस जा रहा था, तो ये लड़के जो है तंगे उड़ा रहे थे, तंगे बाजी का मुकाबला कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पतंग बाजी का मुकाबला कर रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, ये सारा व्यू जो है ना हमारे पीछे, ये सारे लोगों ने जो है गंदम की बिजाई की हुई है, और बच्चे जो है इसमें घुस के जो है ना पतंग बाजी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, वो देखें एक पतंग जो है वो ऊपर जो है पतंग बाजी का मुकाबला हो रहा है वो ऊपर, ठीक है जी। ये सारे बच्चे जो है उसके पीछे अब भागने लगे हैं, ये देखें सबकी नजरें जो है उसके ऊपर ही हैं। वो देखें जी सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं पतंग पकड़ने के लिए, 1 2 3 4 5 6 10 12 बच्चे हैं जी, वो आप देख सकते हैं। डोर पीछे ही वो एक जो टूट गया वो रेड कलर वाला, वो स्कूल से डोर जी, ठीक है जी। वो और स्कूल भी उतर डोर ही, वो बच्चे आप देख सकते हैं। वो भागे जा रहे हैं, वो देखें, वो देखें आप, भाई ने पतंग पकड़ लिया, ये बंदा वाहिद विनर है जिसने पतंग पकड़ी है, कुछ 20 बंदे थे इसके हिस्से में आई है, वो आप देख सकते हैं। सारे जो है हाली हाथ वापस लौट रहे हैं, और भाई ने जो है ना वो पकड़ लिया, वो देख सकते हैं आप। ओ बड़ी डोरी बदल हाय ब्रो, गुड़ा पकड़ा मैंने, पकड़ लिया। ये सारे भाई जो ना हाली हाथ ही आए हैं, ये देख सकते हैं आप। डोर बस ला हड़िया, डोर ला हड़िया।